मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। कार और बस की टक्कर में आठवीं की छात्रा समेत दो की मौत हो गई। 12 विद्यार्थी घायल हुए हैं, जिसमें चार की हालत गंभीर होने से उन्हें रेफर किया गया है। टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। जानकारी के अनुसार हादसा राजगढ़ जिले के बोड़ा नरसिंहगढ़ रोड पर ग्राम बोड़ा के पास हुआ। बताया गया कि बोड़ा थाना क्षेत्र के गाँव गेहूंखेड़ी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा देने मॉडल स्कूल नरसिंहगढ़ गए हुए थे। वहां से लौट रहे थे, तभी पचोर की तरफ से आ रही बस से बोड़ा से 3 किलोमीटर पहले एक निजी स्कूल के सामने से टकरा गई। हादसे में कार चालक मनीष मनोज पंचकार और कक्षा 8वीं की छात्रा राजनंदिनी बद्रीलाल उमट की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। कार के परखच्चे उड़ गए। सभी घायलों को जुने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोड़ा में भर्ती कराया गया है। वही छात्रा सोनू उमट, सानू उमट, रानू परिहार और नीलम को भोपाल रेफर किया गया है। छात्रा मुस्कान वर्मा को राजगढ़ रेफर किया गया है। वहीं दोनों शवों को पीएम के लिए नरसिंहगढ़ सिविल अस्पताल भेजा गया है। आज बोड़ा से 3 किलोमीटर पहले साई एजुकेशन एकेडमी के पास में चोरखेड़ी रोड पर टवेरा और संतोषी बस की टक्कर हुई है, जिसमें दो लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई है, जिसमें एक ड्राइवर है, एक छात्रा है। और टवेरा जो थी वो छात्रों को लेकर नरसिंहगढ़ गई हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना है उसमें सम्मिलित होने बच्चे गए थे। मेरिट की परीक्षा थी नरसिंहगढ़, तो गेहूंखेड़ी और मुंडला के जो बच्चे थे गाड़ी में गए थे और रास्ते में बस से एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल में लाते हैं, तो हॉस्पिटल की अव्यवस्था है कि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं मिलता, ड्यूटी डॉक्टर, और अव्यवस्था है यहाँ पे। एक बच्चों से भरी हुई गाड़ी जो कि टवेरा थी, उसमें गेहूंखेड़ी के स्कूल के छात्र छात्राएं थे, और वो एक्सीडेंट में जैसे हुआ हमें पता पड़ा, हम बस स्टैंड पर खड़े हुए थे, वहाँ से इनको जैसे जैसे पब्लिक के सबके माध्यम से हम यहाँ बोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए। यहाँ क्या सुविधा मिली? नहीं, यहाँ कुछ सुविधा नहीं मिली। मैंने सर्वप्रथम डॉक्टर अजय शर्मा जी को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने बोला कि यहाँ एक बड़ी घटना हो गई है बच्चों की और एक्सीडेंट में यहाँ हम लाए हैं उनको, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ कोई स्टाफ नर्स है उनसे मल्लम पट्टी करवा लो और इनको रेफर करवा दो।